नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। केएल राहुल और आथिया शेट्टी ने पहली बार खुलकर किया प्यार का इजहार। फैंस ने किए शानदार कमेंट्स। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और बॉलीवुड एक्ट्रेस आथिया शेट्टी का इजहारे मोहब्बत पहली बार दुनिया के सामने आया है। राहुल और आथिया अपने भाई अहान शेट्टी की पहली फिल्म तड़प के प्रीमियर में शामिल होने के लिए पहली बार खुलकर दुनिया के सामने आए हैं। दोनों को एक साथ स्टेज पर देख फैंस के मन में उनके सीक्रेट अफेयर से पर्दा उठ गया है। एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी आथिया भारतीय सलामी बल्लेबाज राहुल का हाथ पकड़े स्टेज पर पहुंची और उन्होंने पैपराजी को कई स्माइलिंग पोज दिए। इस दौरान दोनों के चेहरे पर काफी खुशी नजर आई। आथिया के भाई अहान शेट्टी के फिल्मी प्रीमियर में राहुल के अलावा आथिया की माँ और पापा सुनील शेट्टी भी मौजूद थे। राहुल और आथिया को पहली बार एक साथ दुनिया के सामने देखने के बाद फैंस भी कमेंट करने को खुद को रोक नहीं पाए। चोट के कारण भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर चल रहे राहुल ने पिछले महीने की शुरुआत में ही आथिया के बर्थडे पर ऑफिशियल रूप से अपने प्यार का इजहार किया था। क्रिकेटर ने एक्ट्रेस आथिया के बर्थडे पर उनके साथ एक क्यूट फोटो शेयर किया था और हार्ट इमोजी के साथ लिखा था, हैप्पी बर्थडे मेरी लव आथिया शेट्टी। उनके इस पोस्ट के बाद से ही फैंस को सब कुछ क्लियर हो गया था। फैंस ने आथिया को बर्थडे विश करने के साथ साथ कपल को बधाई भी दी थी। आथिया और राहुल की मौज मस्ती की कई फोटो सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर वायरल होती रहती हैं। राहुल इन दिनों चोट के कारण भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर चल रहे हैं। पहले टेस्ट में राहुल की जगह सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल किया गया था, हालांकि उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक राहुल को हाल में पंजाब किंग्स ने अपने कप्तान को आईपीएल 2022 के लिए होने वाले मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया है। पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल और अर्शदीप सिंह को रिटेन किया है। पंजाब के कोच अनिल कुंबले ने बताया कि फ्रेंचाइजी केएल राहुल को अपने साथ जोड़े रखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। रिपोर्ट के अनुसार राहुल अब आईपीएल 2022 में लखनऊ की नई फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। तो जहां केएल राहुल नई टीम के साथ जुड़ने जा रहे हैं, तो वहीं केएल राहुल अब अपने रिश्ते को भी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने के लिए तैयार हैं। और जितने भी केएल राहुल के फैंस हैं, ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं कि फाइनली केएल राहुल ने आथिया शेट्टी के साथ अपने रिश्ते को खुल सबके सामने ला दिया है। और इससे बड़ी खुशखबरी फैंस के लिए कुछ भी हो नहीं सकती कि केएल राहुल और आथिया शेट्टी अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो क्या आप भी चाहते हैं कि केएल राहुल और आथिया शेट्टी जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंध जाएं? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि केएल राहुल की लाइफ का फैसला है। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।